तो आज जा रहे हैं हम करकोटा महादेव मंदिर जो कि भीमताल में है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल की डाट और ये आप देख रहे हैं भीमताल का सुंदर नज़ारा चारों ओर का। तो आज हम जाएंगे करकोटा महादेव जो यहां पर से 3 या 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और आपको हम दिखाएंगे वीडियो में कि कैसा वहां का व्यू है। फ़िलहाल आप ये भीमताल का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों ओर का। और आज हमारे सामने हैं निमेश नेगी और कुछ और साथी भी हैं जो अभी आ रहे हैं, तो हम फिर निकलेंगे करकोटक महादेव के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। तो ये हम निकल चुके हैं यहाँ से ऊपर को, तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है करकोटक के लिए, तो आपको दिखाते रहेंगे हम बीच बीच में कि कितनी चढ़ाई है, कैसा व्यू है। फिलहाल अभी आज बादल दिखाई दे रहे हैं, कोहरा है तो उतना सुंदर व्यू होगा नहीं, बट ये जो टेम्पल है ये नाग देवता को समर्पित है, करकोटक महादेव जो नाग देवता हैं। ये देख रहे हैं आप, एक ये पॉइंट मिल गया है और आधे में पहुंच चुके हैं शायद हम। और ये देखिए यहाँ से नखुचिया ताल और ये भीमताल लेक, दोनों लेक एक साथ आप देख सकते हैं। ये नखुचिया ताल का व्यू है, भीमताल का व्यू है और ये हमारा सामने जलने गाँव है जो कि अभी नहीं है। ये है नखुचिया ताल का व्यू, बहुत ही सुंदर। तो ये लगभग आधा से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया करकोटक का और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से भीमताल का और नखुचेताल दोनों का ही। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सब साथी हमारे आ चुके हैं और लगभग सब अपनी अपनी फ़ोटोग्राफी करने में लगे हैं, तो हर ट्रैक का मज़ा भी ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये व्यू है 360, ये भीमताल लेक है पीछे और इधर को सांगुड़ी गांव, सोन गांव, एक ऊपर नीचे से आ रहे हैं, ये हमारा नखुचिया ताल। तो बहुत ही बढ़िया अभी तक ट्रैक करकोटक मंदिर का। ये है पानी का स्रोत और काफ़ी तेज मात्रा में यहाँ पर पानी आता हुआ पावर डाल दूँ पे मैं। ये आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं करकोटक और ये दिखने लग गया है करकोटक मंदिर और ऊपर दिखाते हैं आपको करकोटक मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों ये फाइनली पहुंच चुके हैं करकोटक मंदिर और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, काफ़ी गर्म भी हो रहा है, लगभग 4 किलोमीटर की होगी चढ़ाई, 1.5 से 2 घंटे का हमें समय लग गया क्योंकि हम हल्के हल्के आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा अब निर्माण कार्य हो गया, जब मैं पहले आया था तो यहाँ इतना डेवलपमेंट था नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो चुका है और
काफ़ी अच्छा प्रांगण यहाँ बन चुका है करकुटक महादेव का, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपसे भी यही उम्मीद है कि अगर आप भीमताल आते हैं और आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका करकुटक टेम्पल। यहाँ पर गांव भी है तो काफ़ी सुविधाएं कर रखी है गवर्नमेंट ने, सीसी रोड है और काफ़ी बढ़िया यहाँ लग रहा है अभी करकुटक टेम्पल का। हम दिखाते हैं आपको व्यू, ये आप देख रहे हैं करकुटक नाग देवता मंदिर, और मंदिर के अंदर है अभी यहाँ का प्रांगण है। ये लोकार्पण राम सिंह कैडा जी द्वारा, और काफ़ी बढ़िया ये प्रांगण। अभी थोड़ा कूड़ा लगा हुआ है, अब बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, लेकिन अभी ये आप देख रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहते थे? नहीं, कुछ कहना है भड़ास निकालनी है। ये हमारी एक मित्र मिल चुकी है हमें, सपना सियाल, हम काफी देर से ढूंढ रहे थे, उसके बाद बोला इनको हमने काफी इंतजार कराया है, तो हम इन जंगलों में खो गए थे, रेडी है। तो ये देखिए आज यहाँ चहल पहल है, काफी भीड़ आए हुए। आयुष्मान धन संतान सिद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु हरि ओम ओम भद्रम कणेति सुरयाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रेपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। तो पंडित जी आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है, कौन नाग देवता का जो मंदिर है कहते हैं, तो इसकी कुछ जानकारी लोगों तक पहुंच सके। नाग देवता के बारे में यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर एक श्लोक आता है, कर्कोटक से नागश्य दमनताम नलश्य चौ ऋतुपर्णस्य राजर्षि कीर्तिनम कलिनाशनम। कर्कोटक नाग इस श्लोक से ये सब जाहिर है कि कर्कोटक नागराज देवता और राजा नल की यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में काफ़ी कृपा रही है, और ये नाग देवता यहाँ पर प्राचीन काल से अति प्राचीन काल से यहाँ पर विद्यमान हैं। ये कहा जाता है कि इनका जो इनका ये स्थान यहाँ से नीचे जहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर कचुला देवी इनकी माता कही जाती हैं, और ये कर्कोटक नाग देवता कही जाते हैं। इनके नाम स्मरण करने से, प्रातःकाल नाम स्मरण करने से अब तक काफ़ी लोगों का जो है रोग व्याधि कष्ट संकट और यहाँ तक कि कली के पापों का भी इससे समान होता है, ऐसा कहा गया है। वैसे हमारे यहाँ 5 नाग कहे गए हैं, कपिला कलियो नंतो वासुकी तस्तस्तता पंचेता स्मृतम विषबाधा निजाति। विषबाधा निवारण के लिए इन 5 नागों का भी इसमें उल्लेख होता है। कर्कोटक राज का अपने इस पर्वतीय क्षेत्र में विशेष कृपा दृष्टि होती है। कहते हैं कि इन कर्कोटक राज की पूजा अर्चना कर लेने मात्र से वर्ष भर व्यक्ति जीवन भर जो है विषबाधा से दूर रहता है, उसको किसी प्रकार की विषबाधा नहीं होती है। पंडित जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे ये इतना सुंदर जगह है और भीमताल से लगभग पास भी है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और जहाँ थोड़ा विकास किया जा सकता है, टूरिज्म के पर्पस से भी किया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा कि गांव है, तो यहाँ क्या सुविधाएं या क्या सुविधाओं का अभाव है जो यहाँ को करना चाहिए गवर्नमेंट को?
अभी तो यहाँ पर सुविधा के नाम पर तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा सुविधा होती है मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग या सड़क, सड़क का ये अभी स्थान अछूता है, सड़क यहाँ पर जो है नहीं है। जो मार्ग हैं वो भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, वो भी लगभग ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मार्ग का मरम्मतीकरण होना चाहिए, मार्ग अच्छे होने चाहिए, और इसके साथ यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी समुचित अगर हो सके अच्छी बात है, और बिजली पानी, उसके अलावा स्थान को पर्यटन के नाम पर बहुत विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्थान वास्तव में हमारे पौराणिक काल से हमारा ये स्थान है। हम इसको कर्कोटक नागराज देवता को अनादिकाल से पहले पूर्व काल से ही यहाँ पर पूजते आए हैं, इसलिए अगर इस स्थान का अगर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए तो पर्यटन की अपार संभावना यहाँ पर बनती हैं, और इसको करना भी चाहिए। अगर ऐसे स्थान बिना पर्यटन के ये विकास के अभाव में ये हमारे जो है अदृश्य रह जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, या इनका महत्व समझ में नहीं आता, इसलिए जब तक इसके बारे में आप इसको विकसित करने की एक योजना बनानी चाहिए, जिससे हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रद्धालु भी आ सकें, और इस नागराज देवता की हमारे पूरे भारतवर्ष में पूरा उत्तराखंड में समस्त कृपा हो इनकी, और इनको सदा हमारी सदा यहाँ के लोग जो हैं इनकी कृपा से सदा भरपूर रहें। आप देख रहे हैं ये जो नाग देवता टेम्पल है, तो इसके पुजारी जी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं तो इनकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो पंडित जी, आप इसके पर्यटन क्षेत्र, जैसा भी दूसरे पंडित जी ने बताया कि अभी विकसित नहीं हो चुका है, या टूरिज्म में पर्पस से, या फिर कुछ मंदिर के संबंध में आप इस कहना चाहेंगे? वो कैसा, हम ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ के निवासी हैं, और यहाँ जो हमारे पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे अभी पर्यटक की मतलब रोड की व्यवस्था नहीं है, तो रोड का कार्य चल रहा है, आधे रास्ते तक का रोड पहुँच चुकी है, तो उसमें यहाँ पे इससे पहले मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। इससे पहले हमारे राम सिंह खेड़ा विधायक साहब जो हैं वो यहाँ का शिलान्यास कर चुके हैं, और क्या कहते हैं, हमारे जो डीएम साहब हैं सरीन बंसल जी, वो यहाँ पे आए थे और वो निरीक्षण करते हुए गए हैं यहाँ पर, वो फिर से अपना मतलब यहाँ पे कह गए हैं कि यहाँ पे पूरा कार्य मतलब हमारे थ्रू होगा, और क्या कहते हैं, यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, कूड़ा अलग से फेंकने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था भी धीरे धीरे हो रही है। यहाँ के लोग बहुत ही उद्यम, उनको मानना पड़ेगा कि ये नीचे मेन रोड से ऊपर कभी भी कोई भव्य आयोजन होता है, रामायण होती है या सुंदरकांड होता है, तो ये कम से कम 3 या 5 किलोमीटर के बीच में ये ऊपर रहते हैं, तो ये यहाँ इतनी दूरी में मतलब घोड़े या खच्चर या अपने खुद मजदूरी करके यहाँ ऊपर तक का सामान लाते हैं, और इससे ज़्यादा नाग देवता की कृपा है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन पर पूरे नाग देवता की कृपा है, और ज़्यादा न कहते हुए विराम देता हूँ। तो जैसा कि आपने ये देखा, ये मंदिर है, और जैसा बताया पंडित जी के द्वारा कि ये निर्माण कार्य किया गया है हमारे जो विधायक हैं इस क्षेत्र के राम सिंह केड़ा जी और डीएम सविन बंसल के द्वारा, और रूट भी प्रस्तावित है और काम चलता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो समय लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है यहाँ। वैसे भीमताला भी टूरिज्म के पर्पज़ से काफ़ी डेवलप हो रहा है, और इस बार यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो ऑटम फेस्टिवल होता है वो भी भीमताल में किया गया। तो ये था हमारा कर्कोटक देवता का मंदिर जो आप देख रहे थे अभी तक, और इसके बारे में आपने सुना कि क्या इसकी पौराणिक महत्व है, और अभी किस दूरी पर है, और कैसा ये मंदिर है। तो इसी के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी हमने आपको कर्कोटक मंदिर के दर्शन करवाए, और नीचे भीमताल का व्यू है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी कोहरे के उससे आ नहीं पा रहा है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप 4 किलोमीटर भी ट्रैक करके यहाँ आ सकते हैं, और बहुत सुंदर व्यू है इस जगह का, और अभी थोड़ा कोहरा है तो साफ नहीं दिखा दे रहा है, और काफ़ी मान्यता है इस क्षेत्र में इस मंदिर की, जैसा कि आपको पंडित जी के द्वारा बताया गया कि ये कर्कोटक महादेव का मंदिर है, और नीचे इनकी माता है जो काचुली देवी है। तो ये था कर्कोटक मंदिर, और अभी हम इससे आगे का आपको रास्ता दिखाएंगे, और आगे एक और मंदिर है शायद, अगर जाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से।
जैसा कि आपने देखा अभी तो यहाँ काफ़ी काम हो चुके हैं और काफ़ी काम होने हैं, तो हर जगह की थोड़ी पहाड़ों में दिक्कत रहती है, शिकायत रहती है कि यहाँ पर थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये अभी पैदल मार्ग है तो ही काफ़ी साफ सुथरा और बढ़िया है, क्योंकि फिर अगर रोड आ जाती है तो उससे एक फ़ायदा ज़रूर है लेकिन एक नुकसान भी रहता है साथ ही साथ, कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो सफाई के प्रति फिर जागरूक नहीं रहते हैं। तो मेरा सभी जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि आप पहाड़ों में घूमने आते हैं तो उसे गंदा ना करें और साफ़ सुथरा रखें, और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखनी है और हमारे पहाड़ से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए वीडियो में।